नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में टाइप 20 हम ले रहे हैं। अब क्या होगा कि फर्स्ट एंगल के में जितनी तरीके से लाइन के क्वेश्चन के टाइप्स हो सकते थे वो सारे हमने बता दिए हैं। आप बुकलेट के क्वेश्चन कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कहीं से आपको प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। अब हम फर्स्ट एंगल से लाइन की लोकेशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वो सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, फोर्थ में भी हो सकती है। जैसा कि हमने आपको ऑर्थोग्राफी में बताया था कि फर्स्ट एंगल हो चाहे सेकंड एंगल हो या थर्ड एंगल हो, आप बना तो सकते हैं लेकिन उसमें क्या हो जाता था, ओवरलैपिंग हो जाती थी सेकंड और फोर्थ में, इसलिए हम वहां पे नहीं बनाते थे। हम फर्स्ट एंगल में अभी तक सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड और थर्ड में भी कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड में अभी हम बाद में बताएंगे, साथ ही में अभी लेके चलेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे जैसे क्वेश्चन हमें मिलते जाएंगे सारे भी बताते जाएंगे। मेन बेसिक आपको हमने फर्स्ट में हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है, अब सिर्फ पॉइंट के लोकेशन चेंज होंगे, उस हिसाब से करने का मेथड वही सेम होगा जैसा फर्स्ट एंगल में आपको बताया रखा गया है, सिर्फ पॉइंट की लोकेशन चेंज होगी, उस हिसाब से प्लान और एलिवेशन जो होंगे वो चेंज होंगे। आपको ये पता है कि सेकेंड और फोर्थ में भी हमारी ड्राइंग बनती है, पर आर्थोग्राफी में हमें इसलिए नहीं बना रहे थे कि वहां पे लाइनिंग ओवरलैप हो जा रही थी, वहां एक साथ बहुत लाइन होती है, लेकिन हाँ लाइन में भी हम लोग सेकेंड और फोर्थ में बना सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन पूछता भी है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को देखते हुए पूछ भी सकता है, तो सेकंड और फोर्थ में भी लाइन के क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको। थर्ड में क्या होता है, फर्स्ट के जस्ट अपोजिट हो जाता है जो प्लान और एलिवेशन का होता है, और पॉइंट की लोकेशन, पॉइंट आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हो कि फर्स्ट एंगल में हो चाहे सेकेंड एंगल में हो चाहे थर्ड एंगल में या फोर्थ एंगल में, तो उसकी क्या लोकेशन होगी, हम कैसे लेंगे पॉइंट। अगर आपका क्लियर है हर क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर टाइप के क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके लिए सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब जो हम लाइन के क्वेश्चन बताएंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इंडिविजुअली हम अलग अलग क्वाड्रेंट में बताएंगे, उसके साथ ही साथ आपकी बुकलेट में कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें कंबाइंड है, मीन्स एक ही लाइन है उसका कोई फर्स्ट, मीन्स अगर ये हमारा फर्स्ट एंगल है, इधर सेकेंड एंगल है, या उधर थर्ड एंगल है, फोर्थ एंगल, चारों क्वाड्रेंट जैसे होते हैं, तो लाइन का एक एंड हमारा फर्स्ट एंगल में है, दूसरा एंड थर्ड एंगल में, इस तरीके करके क्वेश्चन भी रहेगा। मींस एक ही लाइन है उसका एक एंड दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरा एंड दूसरे, तो कैसे क्वेश्चन होगा, पहला पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में उसे अकॉर्डिंग उसको करेंगे, उसका प्रोजेक्शन लेंगे, दूसरा पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में उसे अकॉर्डिंग उसका प्रोजेक्शन लेंगे, उन दोनों की कॉम्बिनेशन से हम वहां पे प्लान एलिवेशन निकालेंगे, तो आगे के हमारे क्वेश्चन सेकेंड थर्ड और फोर्थ के बेस पे होगा। अगर ये हम क्लियर कर लेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है, तो हमारा लाइन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइप 20, तो क्वेश्चन को लिख रहे हैं हम यहाँ पे।